जयपुर में कालवाड़ रोड पर माछवा गांव में 24 बीघा बेशकीमती जमीन के फर्जीवाड़े प्रकरण में शुक्रवार को जिला सेशन न्यायालय में आरोपी की जमानत याचिका पर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने शनिवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। परिवादी के वकील ने यह बताया कि भूमाफिया पीड़िता के परिजन ही हैं और उसे झांसी में रखकर फर्जी और कुटरचित दस्तावेजों के जरिए उसकी करीब 50 करोड़ की जमीन एक कॉलोनाइजर को बेच दी। मामले में आरोपी देवकीनंदन जाजू को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। पीड़िता के वकील रामेश्वर शर्मा ने बताया कि शनिवार को आने वाला फैसला उनके पक्ष में होगा, आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। परिवादी उषा देवी ने राज्य सरकार से भू माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। कालवाड़ रोड पर स्थित 24 बीघा जमीन के फर्जीवाड़े का मामला है, जिसमें भू माफिया ने बड़े सुनियोजित तरीके से इस जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया और गरीब और एक ईमानदार जो परिवार था उसकी ज़मीन को ये लोग बहुत ही सुनियोजित तरीके से हड़प गए। ये इनके परिवार की ज़मीन थी और इस ज़मीन की इन्होंने अपने आरोपी देवकीनंदन जाजू, जो अभी पुलिस हिरासत में है, जिनकी जमानत अर्जी कल अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दी है। देवकीनंदन जाजू ने ये ज़मीन अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा ली और आगे इस